प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम मसावते सबक पढ़ रहे हैं। इसमें हमें एक ज़िमनी उन्वान है कि कुछ मसावते दी है और उनके मुतग़य्यर की कीमत भी दी हुई है। हमें ये मालूम करना है कि दी हुई कीमतें वो मसावत का हल है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली मिसाल है एम जमा नौ बराबर 13। अब यहाँ मुतगैर की कीमत 4 दी हुई है, तो हमें ये मालूम करना है कि ये 4 जो एम की कीमत दी हुई है, इस मुतगैर की कीमत दी हुई है, वो मसावत का हल है या नहीं। जब हम एम की जगह 4 रखेंगे तो 4 जमा नौ बराबर 13, यानी ये मसावत का हल है। अब दूसरी मिसाल 8 मनफी एन बराबर 4 और एन की कीमत दी यहाँ पर 7। तो जब हम 8 माइनस और एन की जगह हम जब 7 रखेंगे तो 8 में से 7 गए तो बचेगा 1 और यहाँ एन की कीमत दी हुई है 7। तो इसका मतलब ये है कि ये मसावत का हल नहीं है। तीसरी मिसाल 4x बराबर 24 और x की कीमत दी है यहाँ पर 6। 4 के बाद x दिया है तो x की जगह हम क्या रखेंगे 6, यानी 4 जब 6 कितने होते हैं 24 बराबर 24। तो इसका मतलब ये है कि ये मसावत का हल है। चौथी मिसाल है y बटे 2 बराबर 8। तो y बटे 2 बराबर 8 और y की कीमत दी हुई है 6। तो जब हम y की जगह 6 रखेंगे तो 6 वो मसावत इस तरह बनेगी 6 बटे 2 बराबर 8। जब 2 से 6 को तकसीम करेंगे तो 3 आएगा और इधर 8 है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुतगैर y इसकी कीमत जो 6 दी हुई है ये मसावात का हल नहीं है, क्योंकि मसावात बराबर नहीं बन रही है। तो इस तरह हम मुतगैर के कीमत मालूम कर सकते हैं।